दोस्तों, मैंने ये डायबिटीज़ की दवाई बनाई है, तो आप इसे घर में रह के बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें घर में ही मिल जाती हैं, रसोई में मिल जाती हैं। और ये देसी है, मेथी दाना, सौंफ और आमिया हल्दी, इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर ये दवाई बनी है। आप इसे कूट पीस कर और अच्छी तरह से इसको सूखे डब्बे में पैक करके रख सकते हैं, और डेली खाना खाने के बाद इसे आप इस्तेमाल एक चम्मच की फंकी मार सकते हैं। इसे डायबिटीज आपकी बढ़ेगी नहीं। डायबिटीज को आप एक एक हफ्ते में चेक करते रहिएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप कोई भी मिठाई खाएं और मिठाई खाने के तुरंत बाद इसका एक चम्मच सेवन करें पानी के साथ। तो आप इसे बनाएं घर पर, मैं इसकी विधि बता रही हूं आगे। और जिस तरीके से मैंने इसकी मात्रा बनाई है, उसी मात्रा में आप इसको बनाकर रख सकते हैं। और कैसे कैसे बनाना है, कैसे कूटना पीसना और कैसे रखना है इसको, वो सब मैं विधि आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो दोस्तों, बनाएं जरूर और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो बेल आइकन का बटन क्लिक जरूर करें। हेलो दोस्तों, कुसुम व्लॉग्स में आपका सभी का स्वागत है। मैं आपको एक देसी दवाई बता रही हूँ जो शुगर के लिए बहुत ही लाभप्रद है, और ये हम इस्तेमाल कर चुके हैं, इससे शुगर बहुत कंट्रोल रहता है। तो ये हर एक के रसोई में मिल जाएगा ये सामान, और बाहर से भी आप दुकान से ला सकते हैं, और हर एक के घर में अवेलेबल है। तो मैं आपको बताती हूँ मात्रा। ये मेथी है, मेथी आधा किलो यानी 500 ग्राम। उसके बाद सौंफ, सौंफ को लेना है 100 ग्राम। और ये है तीसरी चीज़ है आमिया हल्दी, इसको आमिया हल्दी बोलते हैं। आमिया हल्दी के नाम से आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी पसारी की दुकान से। तो इन ये आमिया हल्दी भी 100 ग्राम, सौंफ भी 100 ग्राम, और ये मेथी है आधा किलो यानी 500 ग्राम। इन तीनों को अलग अलग मिक्सी में डाल के पीसना है, और पीसने के बाद इनका मिश्रण एक जगह इकट्ठा करके मिला के मिक्स करके और ढक के रख लीजिएगा। और तुरंत जो भी चीज़ कोई भी खाते हैं, खासकर मीठी चीज़ खाते हैं, तो उसके बाद में इसको एक चम्मच लेना है, उसके बाद पानी पीना है। तो इस तरीके से आप इसको डेली लेते तुरंत बाद, जैसे ही कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो तुरंत इसको वहीं पर एक चम्मच लेना है, पानी के साथ में लेना है। और उसके बाद आप अपना शुगर भी टेस्ट कराएं, पहले इसके खाने से पहले टेस्ट कराएं, और उसके बाद एक महीने बाद फिर आप देखें या 8 दिन बाद टेस्ट कराएं, तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि इससे हमें कितना फ़ायदा है। तो दोस्तों, आप इसको अपने घर बना सकते हैं, बना के रखें। और मेरे पति हैं, वो इसको ले रहे हैं। कितने दिन से ले रहे हैं? एक दो महीने हो गए हैं जब से ये शुगर टेस्ट करते हैं, हर 8 दिन बाद करते हैं, नॉर्मल निकलती है। और अभी घर में रहने से काफ़ी कुछ खा रहे हैं, मीठा भी खाते हैं। और पर इस दवाई का हमेशा याद रखना है कि तुरंत खाने के बाद तुरंत लेना है, आपको गैप नहीं करना है। यानी जहां आपने मीठा खाया उसके तुरंत बाद ही इसकी एक फंकी मारनी है, एक चम्मच की फंकी। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ, देसी दवाई है, कोई भी इसमें एलोपैथी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घरेलू चीज है, आराम से मिल जाती है। और ये सब लाभप्रद दवाई है, मेथी है, सौंफ है और आमिया हल्दी। तो आप इनकी मात्रा फिर मैं एक बार आपको बता देती हूँ। 500 ग्राम मेथी है, मेथी के दाने हैं, 500 ग्राम मेथी, उसके बाद 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम आमिया हल्दी। इन सब चीज़ों को अच्छे अच्छे से साफ करके, और साफ करने के बाद अलग अलग पीस ले, और पीसने के बाद में इकट्ठा करके डब्बे में भर के रख ले। तो दोस्तों, जरूर इसको खाएं, इस्तेमाल करें, उसके बाद में जो भी फायदा हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। ये मैंने मेथी इसमें डाल ली है पीसने के लिए, और मैं इसको पीसने जा रही हूँ, उसके बाद में दिखाती हूँ आपको पीसने के बाद में इसको कितना बारीक पीसना है, किस तरीके का दरदरा पीसना है, कि बारीक पीसना है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ये मेथी पीस ली है, इसको इतना बारीक कर लेना है, ये इस तरीके से हाथ पे इसका पाउडर लग रहा है, तो इतना ही बारीक इसको पीस के अलग निकाल लेना है। उसके बाद फिर आगे सौंफ को पीसते हैं, वो भी दिखाती हूँ कि कितना बारीक पीसना है। ये सौंफ है, ये 100 ग्राम सौंफ है, अब इसको भी मिक्सी में पीस रही हूँ, तो देखते हैं इसको भी कितना बारीक करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सौंफ पीस लिए मैंने, और इसको भी बारीक कर लेना है। देखो, ये मैंने बारीक कर लिए, और अगर आपको ये मिश्रण मोटा लगे तो आप इसको आटे वाली छलनी से छान सकते हैं। छानने के बाद में जो भी दोबारा फिर मोटा मोटा निकलेगा उसको अलग से मिक्स करके आप पीस सकते हैं, मगर इसको बारीक रखना है, चूरन की तरह बना के रखना है। जिस तरीके से चूरन होता है, बस ये एक तरह से ये तीन चीज़ों का मिश्रण चूरन ही कह लीजिएगा, तो ये चूरन ही है, चूरन की तरह ही इतना ही बारीक इसको बना के रखना है।
ये आमिया हल्दी है 100 ग्राम। अब मैं इसको पीसने जा रही हूँ। वैसे आप इसको पहले पीसने से पहले इसको इमाम दस्ते में थोड़ा थोड़ा तोड़ सकते हैं, और मेरे पास इमाम दस्ता नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें पीसूंगी। आप इसको सिलबट्टे पे भी तोड़ सकते हैं और इमाम दस्ते में भी तोड़ के इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको पीस सकते हैं। अभी मैं इसको पीस के ला रही हूँ, फिर दिखाती हूँ। इसका ये पीसने के बाद इस तरीके का कलर निकलता है, ये इस तरीके की निकलेगी पीसने के बाद। इसमें कुछ कुछ रह गए हैं तो इसको मैं दोबारा से करूँगी, और इसको भी उतना ही बारीक करना है जितने मेथी और सौंफ को किया है। ये देखिए मैंने किया है इसको। अब इसको छानूंगी छलनी से, छलने के बाद में जो बचा हुआ है उसको दोबारा फिर एक साथ पीस लूँ। मैंने ये पीस ली आमिया हल्दी और ये सौंफ और ये मेथी, इन तीनों को पीस लिया है। इसका रेशो एक बार फिर बता देती हूँ, 100 ग्राम आमिया हल्दी और 100 ग्राम सौंफ और 500 ग्राम मेथी। इस तरीके से इसका रेशो बना के इसको पीस लिया। पीसने के बाद में हम इसको मिक्स करते हैं। अब ये तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं इसमें, और मिक्स करने के बाद इसको हम डब्बे में भर के रख लेंगे, और जब भी खाना खाएंगे कुछ भी मीठा खाएंगे उसके बाद एक चम्मच इसको खा लेंगे तुरंत। दिन में हम कितनी भी बार मीठा खाएं, कितने भी बार खाना खाएं, चाहे नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद भी तुरंत इसको लेना है, मीठा खाने के बाद भी तुरंत लेना है। और ये देसी दवाई है, आप घर बना सकते हैं इसको। और दोस्तों जिसको भी फ़ायदा हो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सबको बताएं। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है हर घर में पाया जाता है, और कोई भी घर ऐसा खाली नहीं है जिसमें डायबिटीज़ का रोगी ना हो, डायबिटीज़ का पेशेंट ना हो। इसलिए दोस्तों ये शुगर की अचूक दवा है, बहुत अच्छी दवा है, तो इसको ज़रूर बनाएं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।